आज के कवि हैं सूरदास। सूरदास कवि के बारे में मैं आपको आज इस चैप्टर में बताने वाली हूँ, और ये भ्रमर गीत से लिए गए चारों पद गोपियों के विरह भाव को दर्शाते हैं। विरह भाव यानी जुदा होने का भाव, वो कृष्णा से अलग हो गई थी। भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर गीत नाम रखा गया है, भौरे के 6 पैर होते हैं और उसी के आधार पर सूरदास जी ने अपने इन काव्यों का नाम रखा था। ब्रज से मथुरा चले गए थे श्री कृष्ण भगवान, और कृष्णा के जाने से गोपियां परेशान हो गई थी। गोपियों को कभी भी कृष्णा ने कोई संदेश नहीं भेजा था और ना ही वो लौट करके आए थे। इसका कारण यह हुआ कि गोपियों की विरह पीड़ा बढ़ गई थी, तो श्री कृष्ण ने ज्ञान मार्ग पर चलने वाले उद्धव जी को ब्रज क्षेत्र में भेजा। ब्रज क्षेत्र में किस लिए भेजा? ताकि गोपियां जो परेशान हो चुकी हैं उनकी परेशानी को थोड़ा कम कर दिया जाए, और वह निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर के आते हैं। लेकिन गोपियों की पीड़ा घटने के बजाय बढ़ जाती है, वो इससे और भी परेशान हो जाती हैं, उन्हें निर्गुण संदेश बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, और वो उद्धव जी पर व्यंग्यवाण चलाती हैं और कहती हैं कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि तुम तो कृष्ण के पास भी रहते हो फिर भी कृष्ण के प्रेम में नहीं आते हो, उनके प्रेम के बंधन में नहीं बनते हो, और तुम तो कमल के पत्ते की तरह रहते हो जो पानी में भी रहता है और उस पर पानी नहीं ठहरता। फिर वो कह देती हैं कि तुम तो तेल लगी हुई जल की गगरी हो और जो जिस पर भी पानी बिल्कुल भी नहीं ठहरता, तुमने तो अपना पांव कभी प्रेम की नदी में डुबोया ही नहीं, और हम ही ऐसी पागल बेचारी हैं जो कृष्ण के रूप सुंदरता पर हम मोहित हो गई। और वो कहती हैं कि हम तो उनके प्रेम में डूब चुकी हैं, अब तो हमारे मन में सारी जो हमारी इच्छाएं थी वो मन में ही रह गई हैं, और अब तक हम मन ही मन अपने वियोग की पीड़ा को झेलती रही, तुमने तो इस पीड़ा को और भी बढ़ा दिया है। हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है जिसे हम कभी भी छोड़ नहीं सकते हैं, हमें तो सोते जागते केवल कृष्ण का ही ध्यान रहता है, और योग साधना का नाम ही हमें तो कड़वी ककड़ी जैसा लगता है, और जो तो ये संदेशा लेकर के तुम आए हो जो वो तो हमें बिल्कुल मानसिक बीमारी बन गया है हमारी वो तो। फिर गोपियाँ कृष्ण को ताना मारती हैं कि अब तो उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, अब तो उनके कहने ही क्या, कि पहले ही तो वो बड़े चालाक थे चतुर थे, अब तो एक राजनीति के खिलाड़ी भी बन चुके हैं, यानी कि बड़े राजनेता वो बन चुके हैं, अब तो हमें वो समझेंगे ही क्या, पहले तो बहुत चतुर थे और अब तो गुरु के ज्ञान को भी उन्होंने पा लिया है, यानी कि पहले तो चतुर थे ऊपर से गुरु का ज्ञान और आ गया उन्हें सेना बनाने के लिए। तो गोपियाँ उद्धव जी को याद दिलाती हैं कि राजा को कभी भी प्रजा को सताना नहीं चाहिए, यही इन चारों पदों का सारांश है, ये इन पदों का सारांश है। अगर आपको इनकी व्याख्या देखनी है तो आप मेरे एक अन्य वीडियो में देख सकते हैं जो मैंने चैनल पे बनाया हुआ है, और अगर आप इस तरह से किसी और सारांश को पहले पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर इस विधि से पढ़ना है।